नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रियंका मिश्रा। आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। श्रम और सेवा योजना कार्यक्रम की विभागीय कर्मचारियों ने उड़ाई धज्जियां। खेरो रायबरेली 24 मार्च को शासन स्तर से नियोजित श्रम व सेवा योजना विभाग की ओर से संपन्न कार्यक्रम में विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही से पंजीकरण की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। आपको बताते चले कि बुधवार को पूरे प्रदेश में श्रम विभाग ने शिविर लगाकर प्रत्येक ब्लॉक में सभी ग्राम सभाओं से श्रमिकों के पंजीकरण का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी ब्लॉकों में प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यक्रम सम्पन्न होना निश्चित था। सुबह 10 बजे से ही सैकड़ों की संख्या में श्रमिकों की भीड़ जमा हो चुकी थी, लेकिन पंजीकरण के नाम पर सबसे पहले कर्मचारियों ने लैपटॉप की बैटरी डिस्चार्ज होने का बहाना बनाते हुए पंजीकरण में आनाकानी की तथा अपनी कमी छुपाने के लिए ब्लॉक के अधिकारियों पर आरोप लगे। जब क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने इस संदर्भ में बीडीओ केके सिंह से बात की तो उन्होंने बताया, मुझे कार्यक्रम के लिए व्यवस्था मुहैया कराने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। बीडीओ ने शिविर की अव्यवस्था को तुरंत दूर कराने का प्रयास किया। इसके बाद कार्यक्रम में पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि निवर्तमान जिला पंचायत का अध्यक्ष अवधेश सिंह का फूल मालाओं से क्षेत्रीय जनों ने स्वागत किया।